Assalamualaikum students, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बहुत ही वो बात क्लास हो रही थी क्योंकि बात की वजह से क्लास हो रही थी, तो पहले हम पिछली क्लास का जायजा ले लेते हैं। पिछली क्लास में हमने नाप कंप्लीट की थी और आज हम आपकी बुक का तीसरा चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह से निकालते हैं। हम सब कितनी खुशकिस्मत हैं कि हम मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए हैं। इस्लाम की राह में असल कुर्बानी तो उन लोगों ने दी जिनको ईमान लाने के बाद कुफार ने सब कतल कर दिया, लेकिन फिर भी वो ईमान की राह में डटे रहे और ईमान की राह में ईमान की राह को नहीं छोड़ा। इन्हीं लोगों में एक सहाबी जो बहुत मोहतरम है और वो ही हजरत बिलाल। हजरत बिलाल ने जब इस्लाम कबूल किया तो आपको तरह तरह की तकालीफ दी गई, लेकिन आपने राय मकसे मुँह न मोड़ा और राय हक पर डटे रहे। असल में यही सब ऐसे ही लोग सच्चे मोमिन हैं। ऐसा एक ऐसा माहौल जहाँ हर तरफ बुराई फैली हो, जहाँ बरसों से लोग उनको की पूजा करते हैं, ऐसे में कलमा तौहीद बुलंद करना इतना आसान काम नहीं है। तो हजरत बिलाल हबशी जो है वो भी उन्होंने आगाज़ नबूवत के दौर में शुरू में ही इस्लाम कबूल करने वालों में से। क्या आपको पता है कि मौजिन किसे कहते हैं? जी, अजान देने वाले को कहते हैं। हम लोग बात करते अजान सुनते हैं नमाज से पहले। तो आपको पता है कि इस्लाम आलम इस्लाम के पहले मौजिन कौन थे, यानी पहली मरतबा किसने अजान? जी, तो पहले मौजिन कौन थे? हजरत बिलाल हबशी। यही और उनको हम इसी अजान के हवाले से सबसे ज्यादा जानिए और माने जाते हैं। आप सच्चे आशिक रसूल थे, आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत का वारहाना अंदाज करते थे। इसके अलावा आपने गज़वे बदर से लेकर गज़वे तबूक हर गज़वे में रसूलुल्लाह के शाना निशाना और अजान तो देखिए बहुत सारे लोग देते हैं, मैंने बहुत सारी अजानें हम सुनते हैं अलग अलग मसाजिद से आती है, लेकिन कुछ खास अजान ऐसी होती है जो आपके दिल को छू लेती है, जो आपको बेतहा पसंद आती है थी कि लोग अपने कब सब काम छोड़कर नमाज के लिए तरफ दौड़ा करते थे और आपकी आवाज इंतहाई बुलंद और दिलकश थी। तो इस चैप्टर में जो आपका सबसे पहले कुछ अहम अल्फाज लिखे हुए, पहले हम उनको पढ़ लेते हैं। मजम्मत, पर्दा नशीन, दोस्त, लड़जा बरंदाम, हजर, तासीर, वालेहाना, तकलीफ। मजम्मत कहते हैं मुखालिफत को, पर्दा नशीन यानी पर्दा करने वाले, दिलदोज यानी दिल पे असर करने वाले, लड़जा बरंदाम यानी जब इंसान खौफ से बिलता काफने लगता, हजर को कहते हैं तासीर असर करना, वालेहाना यानी बे इंतहा पुरजोश अंदाज और तभी पाक करना। कुछ नए अल्फाज थे जो मैंने आपको पढ़ के बताया उनके मायने ताकि आपको आसान हो। मक्के में वादी हुर्रा की सरजमीन गर्मी के बारिश में थी। गर्म और तपती दोपहर में कुछ लोग शख्स को जबरदस्ती धूप से अंगारा बनी हुई जमीन पर लिटाकर भारी पत्थर इसके सीने पर रख दिए ताकि वो शख्स हरकत ना कर सके, मगर इस शख्स की जबान पर सिर्फ एक ही पुकार थी, आहत आहत। ये जुल्म सितम से सहने वाला कोई और नहीं हजरत बिलाल जिंदा तला अहमद। इनका पूरा नाम हजरत बिलाल बिन रबाह था। आपके वालिद का नाम रबाह और वालिद का नाम वालिदा का नाम हमामा था और दोनों हबशी गुलाम थे। पहले पैराग्राफ में हम सबक के तारुफ बयान किया गया है कि पहले क्या बयान किया गया है कि मैंने आपको बताया था ना कि जब आपने इस्लाम को कबूल किया
उस वक्त आप एक गुलाम थे और आपको इसका कबूल करने की सजा दी थी, वो ये सब कड़ी सजाएं दी गई थी और आपको तपती हुई दोपहर में धूप में आपको उस धूप में लिटाकर आप पर हमारे पत्थर रख दिया गया। लेकिन फिर भी आप अहद 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 यानी अल्लाह एक ही अल्लाह के पुकार रहे थे। और आपकी माता कौन थी? आपकी माता का नाम था मामा और वालिद का नाम बका था और आप दोनों अफसर गुलाम थे। इस्लाम कबूल करने की वजह से इनका काफिर आका उमैया बिन खल्फ इन्हें सब सजाएं इनके वक्त गरम रेत पर लिटाकर मारता, रात को कोड़े बरसाता, सुबह को बबूल के कांटे जिससे जबूर देता, हाथों और पाँव में तीन फूटता, अलगर्ज हर किस्म की सजाएं देता ताकि अगर बिलाल इस्लाम छोड़कर फिर तो कुछ अपनी जिंदगी गुजार दे। लेकिन ये सब अगर बिलाल को मंजूर ना था क्योंकि वो नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मुबतला था। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की बात होती है लोगों की मजम्मत जिसकी वजह से उनका काफिर आपका हमेशा सजाए देगा। क्या बताया जा रहा है हमें? नबी बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ किस्म की जो जो इनका मालिक था यानी आपका उमैया बिन खल्फ वो आपको इस्लाम कबूल करने की सजा नहीं देगा, मुख्तलिफ किस्म की सब तरी सजाएं देगा कि आप सजाएं जब आपको देगा तो आप छोड़कर इस्लाम छोड़ देंगे, खुद को खुद का रास्ता तैयार कर देंगे, लेकिन आप उस राह में आप पर डटे रहेंगे कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और इतनी मोहब्बत करते थे कि आपने तमाम सजाओं को बर्दाश्त करना मंजूर कर लिया, लेकिन इस्लाम छोड़ना गवारा नहीं। सफर नंबर 12। आखिर एक दिन बकर सिद्दीक ने भारी रकम अदा करके बिलाल को उनके आका से आजाद कराया और साथ लेकर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि अगर बिलाल ने जुलूस से रिहाई पाने के बाद अपने आप को रहमत आलम की खिदमत में वक्फ कर दिया, चुप हो या सुख सफर हो या हसर बात हो या तबलीग की मर्जी सुन या जंग का मैदान वो हमेशा हुजूर अकरम की खिदमत में हाजिर रहे। नबूवत के पहले साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने की हिदायत फरमाई तो हमें बिलाल भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तामील में अजमात का सिलसिला शुरू हुआ था जब बिलाल को बदर से लेकर तबूक तक तमाम अजमात के रहमत आलम की महंगाई का सरफा शुरू हुआ। मदीना के बाद मस्जिद नबवी की तामीर हुई और अजान देने की खिदमत बिलाल के सुपुर्द फरमाई। इस तरह जब बिलाल आलम इस्लाम के पहले मौसम बने मगर बिलाल की आवाज़ नहायत बुलंद इनकी आवाज़ में ऐसी तासीर थी कि तुम्हें सुनता सब काम छोड़ छाड़ कर बारे में जब उस जो आपका आका था उसने आपको पेट कहा था तारीफ की और उनका जो इसकी खबर रसूलुल्लाह तक पहुंची तो आपने एक ही मुकर सिद्दीक ने क्या किया आपको उससे आज़ाद करवा दिया और माली रकम दी और आपको लेकर रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ आपने सारी जिंदगी निभाया और आप हर मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। तमाम मसाद में आपने शिरकत की, उसके अलावा रसूलुल्लाह ने सहाबा के साथ हिजरत फरमाई मदीने को शिरकत की तो आपके साथ थे बस आप रसूलुल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत और उसके बाद जब मदीने में पहली मस्जिद नबी तामीर हुई तो सबसे बड़ा आजाद आपको हासिल हुआ कि आप इस्लाम के पहले मौजूद बने और आपकी आवाज इंतहाई पुरअसर थी तो लोगों के दिल पर फौरन असर किया, इसीलिए लोग आपकी आवाज सुनने के लिए तरसते थे। 8 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ तब्दीले काबा के बाद आपने हजरत बिलाल से फरमाया ऐ बिलाल काबे की छत पर खड़े होकर तौहीद की सजदा करो। हजरत बिलाल ने उनकी तालीम जब वो अपनी दिलकश आवाज में अशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पुकार रहे थे जमीन और आसमान पर सन्नाटा छा। 8 हिजरी में हम सब जानते हैं कि फतह मक्का हुआ, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बुत खड़े हुए थे खाने काबा में उन सब को तोड़ा और खाने काबा को पाक किया। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को हुक्म दिया कि आप काबे की छत पर खड़े होकर
अजान हो, तो हमने फिलहाल में तो ये अदात हासिल है कि आपके काफी संपर्क पर होकर अजान हो। 11 हिजरी में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर आकर फरमाया, तमाम सहाबा कराम की तरह हजरत बिलाल को भी हम का पापा नहीं पड़ा। रसूल अकरम की विसाल के बाद फिलहाल खलीफतुल रसूल की मुकर सिद्दीकी की तरफ हासिल हुए और अर्ज की, ऐ खलीफतुल रसूल, मैंने अपने आका को ये फरमाते सुना था कि मोमिनीन के लिए सबसे अफजल अमल जिहाद की सिद्दीकता है। मेरा इरादा है कि अब मैं मदीना का जिहाद शुरू करूं। जब 11 हिजरी में रसूलुल्लाह ने तो तमाम सहाबा की तरह ये खबर बिलाल के लिए भी पहाड़ बन गई, क्योंकि आप रसूल अल्लाह से बेहतर मोहब्बत फरमाया करते हैं। उसके बाद आप सिद्दीक के पास हाजिर हुए और आपसे फरमाया कि अपने जिहाद तमाम जिंदगी अपने जो है वो जिहाद के लिए वक्त करना चाहता हूँ और मैं अब जिहाद में हिस्सा लेना चाहता हूँ। अदबूकर सिद्दीक ने ही इजाजत दे दी और शाम को शाम जाने वाले लश्कर में शामिल हुए। इसके अलावा हजरत बिलाल ने उमर के दौरे काफत में शाम में रूही के खिलाफ जिहाद में हिस्सा लिया और दादे सुदार वसूल किए। बैतुल मुकद्दस फतह करने के बाद बैतुल मुकद्दस की चाबियां हासिल करने के सिलसिले में हजरत उमर को बनफसे हदीस शाम जाना पड़ा। उन्होंने ईसाइयों से सुलह का मुआहदा करने के बाद मुसलमान से खिताब फरमाया। समाइन में हजरत बिलाल भी मौजूद थे। इनसे मुखातिब होकर फरमाया, ऐ हमारे सरदार बिलाल, आज इस्लाम के पूरे अमल का परचम तौहीद रह गया है। इस बाअज़मत मौके पर आप अजान दें तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। हजरत बिलाल ने अर्ज की, अमीर मोमिनीन, मैं अहद कर चुका हूँ कि रसूल अकरम के बाद किसी के लिए अजान न दूंगा। जब आपने जिहाद में हिस्सा लेने का अंदर किया और पहुँच का इजहार किया तो फिर आप शाम के लश्कर में शामिल हुए। इसके अलावा जब बैतुल मुक़द्दस ऐसी अजीम फतह हुई तो फिर हजरत उमर ने आपसे फरमाइश की कि आप इस मौके पर अजान दें। हजरत बिलाल अल्लाह से प्रेम का मोहब्बत करवाया करते थे तो आपकी बात के बाद आपने अहद किया था कि अब मैं अजान जो है वो नहीं दूंगा, लेकिन मैंने जब फरमाइश की तो आपने उसको कबूल करवाया। आज आपकी इच्छा की तकलीफ में अजान देता हूँ, ये कहकर वो अजान के लिए खड़े हुए। जब इनके मुँह से अल्लाह मुहब्बत के अल्फाज निकले तो सहाबा कराम की ऐसी हालत थी कि खुदा उनके कल्ब से करके खोल दिया। उन्हें रहमत आलम का अहद मुबारक याद आ गया। शाम के मालकों के बाद बिलाल ने मनी के गाँव फरान में मुस्तकिल सकूनत अख्तियार कर ली। एक रात ख्वाब में देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने को फरमा रहे हैं, ऐ बिलाल, क्या अभी वक्त नहीं आया कि ज़ियारत के लिए आओ? इस ख्वाब ने आपसे तो रसूल का दिलो दिमाग झंझोर आया। बेताबी और बेकरारी से उनकी मदीने मुनव्वरा का वक्त हुआ। रोज़े अकद पर हाजिर हुए तो तबक्कर दामन छूट गया। इस कदर रोए के देखने वालों की आंखों से भी अश्कों का सैलाब छा गया। इस मौके पर इमाम हसन और इमाम हुसैन भी मौजूद थे। अपने महबूब के जिगर गोशों को सीने से लगाकर उनका बार बार उनका मुंह छूते उन्होंने ख्वाहिश की कि बाबा बिलाल, कल खुदे की अजान मौजूद रसूल पर आ गई। अब बिलाल अपने आकर की फिक्र खुशी की ख्वाहिश को कैसे टाल सकते थे? फजर हुई तो रोजे रसूल के करीब अजान के लिए खड़े हुए। सारा मदीना उनकी आवाज सुनने की दुनिया उमड़ डाला। जो ही उन्होंने अजान के रसूल की मदीने मुनव्वरा की पूरी फजा में बसर बढ़ा दी। हजरत जब बिलाल की रोजे रसूल की तरफ उंगली का इशारा करके अशद अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह कहा तो पर्दा नशीन खवातीन भी बेताब कर घरों से बाहर निकल आई। रोते रोते लोगों की हिचकियां बढ़ गई। ऐसा मालूम करता कि बाहरी वजह शाम की जब जिहाद वगैरह के बाद आपने क्या किया, आपने एक गाँव में मुस्तकल तैयार कर ली फौलाद में और एक रात आपने सुनला की आपको ज्यारत हुई जो कि आपको मदीने आने का कह रहे थे और आप मदीने की ज्यारत के लिए, तो फिर आपने मदीने का रुख किया और जब आप पहुंचे तो फरमाइश पर कि आप रोजे रसूल पर अजान दें तो आपने जब अजान दी तो वहाँ के लोगों का जो आलम था वहाँ पर आपके पर चुके के बारे उछल बढ़ पड़ा था और ऐसा लगता कि रसूलुल्लाह का आम हिस्सा है। इस वाक़े से क्या पता चल रहा है? वाक़े से ये ज़ाहिर हो रहा है कि आपकी आवाज़ पे इतना असर था कि लोग बेताब घरों से बाहर निकल आए और रसूलुल्लाह की मोहब्बत में वे
उनके इंतहा होते होते उनकी हिजरियां बन गई। 10-20 हिजरी को बिलाल ने सफर आकर तैयार किया, उस वक्त उनकी उम्र 60 बरस की थी। दमिश्क में बाबू समीत अली की तकरीर थी। अमीर मोमिन अपने बाबू पर बिलाल के हाथ के थी तो रोते रोते निहाल गए। बार बार फरमाते थे, आप हमारा सरदार बिलाल भी हमें बराबर दिखा दे। अगर बिलाल से पूजा करके मौजूद ही न थे बल्कि आगे भी सरदार भी थे और इतने आपस से हर वक्त दर्जा पर नाम उनकी लगा मुन्ना का बयान है। अगर बिलाल अपने बिस्तर पर बैठते तो फरमाते, बिलाल ने मेरे गुनाहों से दरगुजर फरमा और मेरी बीमारी में मुझे मासूम समझ। अगर बिलाल ने सबूत रखा और अपने असूल को इखलास के लिए महफूज सफाए रखा तो सब हर मुसलमान के लिए दावत मुशर्रफ का कर देंगे। इंडिया इसकी गिरामी सुनकर हर मुसलमान के तमन्ना करता है, काश उसको बिलाल के इश्क रसूल का हजारवां लाखवां हिस्सा ही नसीब हो जाए और यूं उसकी आदत सब हो जाए। बीस हिजरी में आप की वफात हुई और आपकी उम्र कितनी थी? 60 वर्ष। और उम्र को आपकी वफात की खबर पहुंची तो उन्होंने फरमाया, क्या हमारा सरदार बिलाल ने दाखिल हुआ यानी हमारा साथ छोड़ दिया? आपकी हमने कितनी सारी खूबियां पढ़ी हुई तो ये भी कि आप सारी सारी रात इबादत में मशगूल रहे और अल्लाह के खौफ से हर वक्त आपका जिस्म कांपता रहे। आपकी रसूलुल्लाह से कुछ मोहब्बत थी जो आलम था, तो उसके बारे में क्या लिखते हैं कि अगर हमें उनकी मोहब्बत का एक छोटा सा हिस्सा भी हासिल हो जाए तो हमारी आपदा जो है समझ जाए। इसके ये सत्र हमारा कंप्लीट हुआ। आपको इसके इसका टाइटल बनाना है और इसके अल्फाज मायने कहने हैं। आपका नंबर के अल्फाज मायने सफर नंबर 14 में जो आप